नमस्कार, मैं हूं कनुप्रिया सत्तन और आप देख रहे हैं लाइव टीवी समाचार। आइए नजर डालते हैं आज की कुछ खास खबरों। उन्नाव में 15 अगस्त 2022 को जिलाधिकारी अपूर्वा दुबे ने स्वतंत्रता दिवस समारोह की 75वीं वर्षगांठ के अवसर पर कलेक्ट्रेट में ध्वजारोहण कर सलामी ली तथा शहीदों को नमन करते हुए कलेक्ट्रेट प्रांगण में अपर जिलाधिकारी FR नरेंद्र सिंह, नगर मजिस्ट्रेट विजेता आदि के साथ वृक्षारोपण किया। जिलाधिकारी ने उपस्थित अधिकारियों कर्मचारियों को स्वतंत्रता दिवस की शुभकामनाएं देते हुए कहा कि भारत का गौरवशाली इतिहास स्वतंत्रता सेनानियों के त्याग और बलिदान की याद दिलाने वाला स्वाधीनता दिवस को कभी नहीं भुलाना चाहिए। खासकर युवा पीढ़ी को आगे बढ़कर समाज के व्यवहार शैली समता के साथ जीना है। हमारे पूर्वजों शहीदों ने स्वतंत्रता दिवस दिया है, प्रत्येक दिवस अपने कृत्य में समाहित किया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि अधिकारियों कर्मचारियों को अपने दायित्वों को पूर्ण पारदर्शिता के साथ निर्वहन करना चाहिए। एकता एवं कर्मठता के साथ जो अवसर मिला है उसे पूर्ण मनोयोग के साथ कार्य को करना चाहिए। स्वतंत्रता दिवस की 75वीं वर्षगांठ के अवसर पर मनाए जा रहे आजादी के अमृत महोत्सव कार्यक्रम पर पूरे जनपद में गरिमामय पूर्ण ढंग से मनाया जा रहा है। हर घर तिरंगा कार्यक्रम प्रत्येक नागरिक के मन में राष्ट्र प्रेम की भावना को जागरूक करके स्वतंत्रता के प्रतीकों के प्रति सम्मान भाव को बढ़ा रहा है। प्रत्येक नागरिक आदर भाव के साथ अमृत महोत्सव एवं हर घर तिरंगा कार्यक्रम को सफल बनाने का सराहनीय कार्य कर रहा है। 76वें स्वतंत्रता दिवस पर आयोजित कार्यक्रम पर अमर शहीद शशिकांत तिवारी के परिवार का सम्मान ARTO ऑफिस उन्नाव में किया गया, साथ ही निकाली गई तिरंगा यात्रा। आरिफ अली शेख, जिला क्राइम ब्यूरो, फास्ट रिपोर्ट।